सुरनकोट के आदिवासियों ने पूंछ प्रशासन, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर पूंछ तहसीलदार सुरनकोट और एसडीएम सुरनकोट के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनके वार्षिक मौसमी प्रवास में सहायता के लिए वाहन सेवाएं प्रदान की। इस पहल ने उनके झुंडों और पालतू जानवरों के परिवहन को काफी आसान बना दिया, जिससे वह जल्दी और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। समय पर की गई सहायता ने समुदाय और शारीरिक बोझ को कम किया, उनके पशुधन की भलाई सुनिश्चित की, जो आदिवासी आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। अब्दुल हालक जी, सर हमको डीसी साहब का और तहसीलदार का, सुरनकोट का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपने गांव से गाड़ी में माल डाल रहे हैं, हम तो 5-6 घंटे में मुगलडारा पहुँच जाएंगे। हम इस गवर्नमेंट साहब का शुक्रिया बहुत अदा कर रहे हैं, हमको बहुत सहूलियत दे रही है। हम पहले 4-5 दिन में रास्ते में जाते थे, गली की तरफ से इतनी सहूलत नहीं थी, आज हमको बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का। फिर हम बहुत शुक्रिया करते हैं तहसीलदार सुरनकोट का, और जो आने से सुरनकोट है सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाते थे इस रास्ते जमिया से जा रहे थे, हमको 5 दिन लगते थे, 5-6 दिन में जाते थे, कहीं रास्ते में बर्फ भी होती थी, रुकते थे, बहुत बहुत मुसीबत होती थी, आज तो हम 1 दिन में चले जाते हैं। हमको सुरनकोट आने से का बहुत बहुत शुक्रिया है। हम आए मैदान से, हम जाए, हम कश्मीर जाएंगे, गुगड़ा से ऊपर जाएंगे, गुगड़ा तक गाड़ी जाएगी गवर्नमेंट की, उसके आगे हमको 2-3 घंटे का रास्ता है, पैदल पहुंचेंगे अपनी डोक में। तो इस रास्ते में कोई पैसा या कुछ लगता है? नहीं, कुछ नहीं लगता, बस जो ये हम तो गाड़ी में जो है अपना खर्चा शर्चा और कुछ नहीं हमारे से लगता। आर्मी चेयरमैन का बहुत बहुत शुक्रिया, हमको सुरनकोट के जो आर्मी चेयरमैन सबका हमको बहुत बहुत शुक्रिया है। ट्राइबल्स की गाड़ियां जो लगभग 1 हफ्ते से हमारे पास आई हुई हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आती है उसको हम चलान बनाकर देते हैं, और वो गाड़ियां ट्राइबल्स को लेके अपने अपनी डोक और डिफरेंट मुकामात जो उनके हैं डोक के, उन पर छोड़ के वापस आती हैं। अभी तक कितनी गाड़ियां नहीं हैं? अभी 6 से 7 गाड़ियां अभी यहां से जा चुकी हैं, और रिक्वायरमेंट भी हमारे पास जिस तरह रिक्वायरमेंट आती है उसको सेकंड डे हम गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं, तो एज इट इज जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है हम वैसे वैसे उनको भेज रहे हैं। मोहम्मद सादिक, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है मतलब ये गाड़ियां मिली हैं, बड़ी सहूलियत है। इससे पहले जो थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आज से 6 साल या 7 साल पहले की जो इन गाड़ियों से जाते थे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सारा बोझ भैंसे वगैरह जो है मतलब जैसे 7 या 8 या 10 दिन के भी सफर था हमारा। लेकिन आज की डेट में जो मजिस्ट्रेट ने हमारे साथ किया है ये बहुत अच्छा किया है, पुंछ वाले हैं, सुरनकोट वाले हैं, हम पुंछ के डीसी साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सुरनकोट के मजिस्ट्रेट साहब का इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे यह बड़े लंबे सफर था जिसकी वजह से आज हम मतलब 7 या 8 घंटे में अपनी डोक में पहुंच सकते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई है। अभी जो गाड़ियाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो इसलिए बड़े आज ठीक ठाक सिस्टम हमारा जो है चल रहा है इस गवर्नमेंट इस मजिस्ट्रेट की वजह से।